क्लास टेंथ की एक्सरसाइज 1 की थ्योरम 1.4 है हमारे सामने, जिसमें हमें प्रूव करना है रूट 2 इज इरेशनल। रूट 2 को इरेशनल प्रूव करना है, तो इसको प्रूव किया जाता है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्रूफ पे। लेट कर लेंगे, लेट अस अज्यूम द कॉन्ट्ररी दैट रूट 2 इज रैशनल। बिल्कुल अगर हमें इसे इरेशनल प्रूव करना है तो बिल्कुल इसका अपोजिट लेट कर लेंगे कि रूट 2 जो है वो है रैशनल। अगर रूट 2 रैशनल है तो रूट 2 किसके इक्वल होगा, रूट 2 इक्वल्स टू ए बाई बी। ये फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा, जहां पर बी जो होगा वो हमारा नॉट इक्वल्स टू जीरो, बी नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड ए एंड बी, जो ए और बी होंगे वो क्या होंगे हमारे को प्राइम्स, ए एंड बी आर को प्राइम्स। को प्राइम्स कौन से नंबर्स होते हैं जिनका एच सी एफ 1 होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ए और बी इनके एक कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा, 1 के अलावा इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। इसे रीअरेंज करेंगे इक्वेशन को, बी को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा रूट टू बी इक्वल्स टू ए। ठीक है, अब करेंगे स्क्वेयरिंग, दोनों साइड करेंगे स्क्वेयर। ठीक है, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वेयर करेंगे तो रूट टू का स्क्वेयर क्या होगा, रूट टू का स्क्वेयर हो गया 2, बी का स्क्वेयर करेंगे तो बी स्क्वेयर और ए का स्क्वेयर करेंगे तो ए स्क्वेयर। तो ये हमारी इक्वेशन आई, इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ए स्क्वेयर जो होगा, ए स्क्वेयर के फैक्टर्स क्या होंगे 2, यानी कि ए स्क्वेयर जो है वो 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो लिखते हैं ए स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 2। ए स्क्वेयर अगर 2 से डिविजिबल है तो थ्योरम 1.3 क्या कहती है, कोई किसी नंबर का स्क्वेयर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल होता है तो ए भी जो है, ए ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, तो ए भी उस नंबर से प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा कंक्लूजन नंबर 1। अगर ए का जो फैक्टर है वो 2 है, मतलब ए 2 से डिविजिबल है, तो हम ए को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू 2c, वेयर c इज एनी इंटीजर। सी हमारा कोई यहां पर इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो ये जो हमने ए इक्वल्स टू 2c, ए को 2c की फॉर्म में लिखा है, इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, ए की वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, तो पुट करने के बाद इक्वेशन क्या आएगी हमारी, ऊपर की इक्वेशन है हमारी 2b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ए की जगह पर हम क्या रखेंगे 2c, तो ये आ गया 2c इसका स्क्वायर, क्योंकि ऊपर ए का स्क्वायर हो रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ए की वैल्यू का स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे, ये आएगा 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 और c का स्क्वायर c स्क्वायर, कैंसल आउट करेंगे 2 1 2 2 2 4, तो हमारी इक्वेशन आएगी बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि बी स्क्वायर के जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे 2 और सी स्क्वायर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अगर बी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो बी ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ये हो गया हमारा कंक्लूजन नंबर 2। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन से, बाय फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन, फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन से हम क्या कह सकते हैं कि ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर 2, ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर, ए और बी जो हैं उन दोनों के कॉमन फैक्टर, यहां पर बी का फैक्टर 2 है और यहां पर ए का फैक्टर भी 2 है, तो ए और बी के जो दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होगा 2, दोनों का कॉमन फैक्टर है 2, लेकिन हमने यहां पर एज्यूम किया था कि ए और बी क्या है हमारे को प्राइम है, तो ये तो हमारे क्वेश्चन में कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हो रहा है, सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन is arisen because of our incorrect assumption। ये विरोधाभास जो नजर आ रहा है हमें यहां पर तो ये को प्राइम में है और यहां पर इनका कॉमन फैक्टर अगर 2 आ जाता है तो वो को प्राइम नहीं रहेंगे, तो ये विरोधाभास जो नजर आ रहा है हमें क्वेश्चन में वो किस लिए है, क्योंकि हमने यहां पर ये रूट 2 को जो रैशनल एज्यूम किया है ये गलत किया है, तो रूट 2 इरेशनल नहीं है,
तो हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं अगर रैशनल नहीं है कोई नंबर तो वो क्या होगा, इरेशनल। देयरफॉर रूट टू इज इरेशनल। ठीक है, ये हो गई हमारी थ्योरम प्रूव्ड। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझना आपको, सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक बार अगर आपको समझ में आ जाता है तो इजीली इस तरह के क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक है, जाएगा।